बुलंदशहर से रीशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। ओयो होटल में प्रेमिका से प्रेमी की हुई कहासुनी, प्रेमिका मिली नशे में धुत। बुलंदशहर में ओयो होटल में आत्महत्या का मामला। प्रेमिका से कहासुनी के बाद फंदे पर झूला प्रेमी। शराब पार्टी के बाद सिकंदराबाद निवासी 22 वर्षीय तुषार की प्रेमिका से हुई थी कहासुनी। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर प्रेमिका भी नशे में धुत मिली। अलीगढ़ की रहने वाली है तुषार की प्रेमिका। पुलिस व फॉरेंसिक टीम जाँच में जुटी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कस्बे में कुत्ते की कब्र के पास की घटना। रात को 2:45 बजे मेरे पास फोन आया मेरे भतीजी का कि जैसे तुषार खत्म हो गया। मैं मदर को लेके वहाँ पहुँचा जहाँ पे वो लड़का खत्म हुआ था होटल। मैंने वहाँ देखा वो सब उसने मारा हो, उसके जो हाथ है वो नीले नीले हो रहे थे और वो लड़की वहाँ ही मौजूद थी, उसका नाम पूजा है। बस मैंने वहाँ इतना देखा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ उसको मारा गया। कमरे में लड़की ही मात्र थी या कोई और भी था उसमें? उस टाइम तो वहाँ लड़की थी, वो जिसने एक लड़का हो रहा है मोहित मोहित एक लड़का हो रहा है मोहित 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 जो उसने बुलाया था, लड़की ने बुलाया था। लड़की तो हाफ नहीं चंडी पहन रखी थी उसने यहाँ तक की, और टी शर्ट पहन रखी थी उसने, और नसीब में थी वो भी। क्या कर रखी है अभी तो उन्होंने कुछ देर तो पंचनामा भरा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तो कह दिया अपने पुलिस को भी अभी बाद अभी देंगे, पहले वहाँ से पंचनामा से बोर्ड इस करिए पंचनामा जब वो देर जब देंगे। अच्छा, इससे पहले कोई आने जाते थे वहाँ पर लड़की का घर पर? हाँ आती थी लड़की, वो भी कभी कभी आती थी, वो लेकर लड़का लेकर आता था कभी कभी। ऐसे कोई विवाद के जैसे कोई शादी को लेकर विवाद कोई नहीं था? हमने समझाया था, मगर उसको समझ में नहीं आता। हमने हम बोले भैया जैसा तुझे करना ऐसा कर ले, हमको कोई ऐसा हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। हमें कोई ऐसा बना था कि मान लो हम सब, हाँ हमें कोई कोई गिला सिखा कुछ नहीं था कि मान लो ये हम सब में बड़ी वर्षा करें भाई तू शादी क्यों कर रहा है, तेरी मर्जी कर ले, हमें कोई दिक्कत ना। हाँ कई रोड के बारे में बताएं। मेरे सुबह रात को 2:45 बजे मेरे पास फोन आया मेरे भतीजी का कि जैसे तुषार ख़त्म हो गया। फिर मैं अपने मैं मदर को लेके वहाँ पहुँचा जहाँ पे वो लड़का खत्म हुआ था होटल। तो मैंने वहाँ देखा बेड पर वो लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको किसने मारा हो, उसके जो हाथ है वो नीले नीले हो रहे थे और वो लड़की वहाँ ही मौजूद थी, उसका नाम पूजा है। बस मैंने वहाँ इतना देखा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ उसको मारा गया। बस कमरे में लड़की ही मात्र थी या कोई और भी था उसमें? उस टाइम तो वहाँ लड़की थी वहाँ पर, वो जिसने वो एक लड़का हो रहा है मोहित मोहित किस एक लड़का हो रहा है मोहित 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 जो उसने बुलाया था, उस लड़की ने बुलाया था। किस हालत में थी लड़की? लड़की तो हाफ नहीं चंडी पहन रखी थी उसने यहाँ तक की, और टी शर्ट पहन रखी थी उसने, नशे में थी वो भी। नशे में थी लड़की? हाँ। अभी क्या कर रखी है इसने पुलिस ने? अभी तो उन्होंने कुछ देर तो पंचनामा भरा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तो कोई तहरीर दिया अपने पुलिस को भी? अभी बाद अभी देंगे, पहले वहाँ से पंचनामा से बोर्ड इस करिए पंचनामा जब वो तहरीर जब देंगे। अच्छा, इससे पहले कोई आने जाते थे वहाँ पर लड़की का घर पर? हाँ आती थी लड़की, वो भी कभी कभी आती थी, वो लेकर लड़का लेकर आ रहा था कभी कभी। कोई ऐसे कोई विवाद के जैसे कोई शादी को लेकर? विवाद कोई नहीं था, हमने समझाया था, मैं उसको समझ में नहीं आता। फिर हमने हम बोले भैया जैसा तुझे करना ऐसा कर ले, हम तो कोई हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। हमें कोई ऐसा बना था कि मान लो हम के लिए, हाँ हमें कोई वही गिला सिखवा कुछ नहीं था कि मान लो ये कोई हम टॉर्चर करें भाई तू शादी क्यों कर रहा है, भाई तेरी मर्जी कर ले, हमें कोई दिक्कत ना। आज आप चौकी पे आए हो, आप क्या मामला हुआ है, क्या है? मेरे भतीजी का मर्डर हो गया। भतीजे क्या नाम है? तुषार। तुषार, कहाँ पर हुआ था ये? ये कुत्ते कमर के पास तलैया में ओयो होटल है, उसके अंदर। ओयो होटल में? ओयो होटल के अंदर। अच्छा, आपको आपको सूचना कब मिली थी? मेरे को मेरी भतीजी ने फोन करा था 2:45 बजे करीब, जब मुझे पता लगा रात को। रात को? अच्छा, फिर आपने देखा वहाँ पर क्या स्थिति पाई वहाँ पर? जब मैं वहाँ पहुँचा उस टाइम, हाँ जी, उस टाइम बेड पर लेटा हुआ था, ऐसा लगा कि जैसे उसको उसको मारा गया हो, किसी ने मारा गया हो। अच्छा, और जो है वहाँ पर पंखे में वो लटका हुआ था एक चादर, चादर फैंसी लटकी हुई, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसको मर्डर करा। वो तो वैसे लटका दी हुई,